गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, बीबी क्रीम। स्पिंस का बीबी क्रीम है ये, जिसको आपके साथ मैं शेयर करूँगी इसकी फुल रिव्यू। ये कैसा प्रोडक्ट है इसके बारे में सब कुछ बताऊँगी, और अपने फेस पर इसके साथ ही मेकअप मैं करूँगी, वो भी आप खुद ही देखेंगे। रिव्यू आप खुद देख पाएंगे अच्छे से क्लियरली कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये इसकी कवरेज कैसी है। और इसमें ऐसा दावा करते हैं कि ये ब्राइटनेस एंड ब्यूटी फेयरनेस क्रीम है, कवरेज स्पॉट कवर करता है, यानी इसकी कवरेज भी काफ़ी हद तक अच्छी है और सन प्रोटेक्शन देता है। तो चलो इसको हम फाइनली देख लेते हैं कि आप हमारे फेस पे है कैसा वर्क करता है। छोटे मोटे स्पॉट्स वगैरह हैं, रेड और एक पिंपल्स के दाग भी हैं, तो उसको देखते कवर कर पाता है नहीं, तो फुल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना ऑयल सीरम लगाती हूँ हमेशा, जो भी मैं कुछ यूज करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देता है। तो चलो इसको हम लोग अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने फेस पर डैब डैब करके अप्लाई अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं प्राइमर नहीं यूज करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा इसमें प्राइमर प्लस लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं कि ये फेस को जो गड्ढे वड्ढे छोटे मोटे हैं या ओपन पोर्स हैं, इसको अच्छे से बंद कर पाता है नहीं, या अच्छे से इसको कवर कर पाता है या नहीं, स्मूथ करता है नहीं। तो चलो देख लेते हैं इसको खुद ही, इसका जब मैं अप्लाई करूँगी तो खुद दिख जाएगा। तो मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है अपना ऑयल सीरम। इसके बाद से मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र निव्या का यूज कर रही हूँ। इसको आप अपने फेस पर बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, ये ऑयल फ्री है। मेरा फेस ऑयली है इसलिए मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हम लेंगे, यहाँ पर और मैंने चीज़ें लगा ली। तो यहाँ पे हम एक साइड जो है ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे और हाफ साइड जो है मेकअप ब्रश से करेंगे, इस ब्रश से। तो चलो देखते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट, और फाइनली हमें पता चल जाएगा इसका प्रोडक्ट का। चलो थोड़ा सा हम इसका प्रोडक्ट जो है ले लेते हैं अपने हाथ पे, और पता चल जाएगा कैसा है ये। मैं थोड़ा सा इसमें से ले लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर ये बहुत डार्क है, मुझे तो बिल्कुल लिक्विड ही नहीं है ये प्रोडक्ट। तो चलो इसको अपने फेस पर मैं अप्लाई कर लेती हूँ, और देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है इसका, क्या मतलब कवरेज वगैरह क्या देता है। तो अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से इसको लगा लेते हैं। इसके बाद से हम इसको अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से अपने पूरे फेस पर, जितना प्रोडक्ट था मैंने अपने हैंड से ले करके इसको अपने पूरे फेस पर ऑल ओवर फेस पर लगा लिया है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हाफ साइड जो है ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे, और हाफ साइड जो है इसको डैब डैब करके मैं करेंगे, ताकि जो भी इसकी कवरेज है वो अच्छे से हमें मिल पाए। तो देखते हैं इसकी कवरेज क्या है। तो खुद देखिए, बिल्कुल लाइट कवरेज है, बहुत अच्छी कवरेज मैं नहीं बोलूँगी इसको। तो हाफ साइड जो है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। तो कवरेज की बात करें तो बहुत ही लाइट कवरेज है इसकी, बाकी स्किन को इतना स्मूथ बना दिया है इसने, एक बहुत पतला सा लेयर स्किन पे बनाया है। कवरेज इसकी बिल्कुल भी नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत लाइट कवरेज है। तो इसका डबल कोट हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि इसकी कवरेज क्या मिलती है हमें। तो चलो खुद देखा कि मैंने अच्छा खासा प्रोडक्ट फेस पे लगा था, ये देखिए। अभी इतना और लेते हैं फेस पर, फिर से देखते हैं कि सेकेंड कोट में, और ये ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छे से लगा लेते हैं। मेरा एक ही आधा पिंपल हो रखा है, इसको वो बिल्कुल ही कवर नहीं कर पाया है, देखिए। तो थोड़ा सा और यहाँ पर प्रोडक्ट मैं लगा लेती हूँ, देखते हैं क्या करता है इस पर। कवरेज तो नहीं कर, कवर तो नहीं कर पाया है, बट ठीक है। डेली बेसिस पे आप इसे यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक डेली आपको जाना होता है कॉलेज स्कूल जहाँ भी आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट है ऑप्शन ये। और चलो हम थोड़ा आइस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो ऑल ओवर फेस पर हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और डेली बेसिस पे इसको आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा डेली बेसिस के लिए, अच्छा है। अब अपना कर लेते हैं।
एक हमें लाइट कवरेज मिल रही है। डेली बेसिस पे आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आप ऑफिस वर्क डेली बेसिस के ऊपर मेकअप है, तो यहाँ पे मैं वाइट टोन पाउडर, लूज पाउडर के लिए मैं यूज कर रही हूँ वाइट टोन पाउडर। ये ऑलमोस्ट लोगों के घर में होता है क्योंकि एक तरह से सबका फेवरेट होता है। तो चलो इसी से हम अपने फेस को ब्यूटी ब्लेंडर से हम यहाँ यूज करेंगे, आप ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत लाइट है और आप डबल कोट लगा कर थोड़ा सा और अच्छा कवरेज पा सकते हो, बाकी नॉर्मल डेज के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। आज हम बहुत कम मेकअप के साथ, लाइक कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर जिसे मैं यूज़ नहीं करती थी आज मैं इसको यूज कर ले रही हूँ इस्तेमाल। तो चलो कैसे करते हैं। डेली बेसिस मेकअप के लिए हमें बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, ऑड लगता है और गंदा भी लगने लगता है, इसलिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको लिपस्टिक जो है कोई भी डार्क कलर ले सकते हो उसको लगाना कैसे है, जो आप हल्का कर सकते हो। तो आपको लिपस्टिक को अप्लाई करना है, उसके बाद से एक आपको लिप्स वाला जो ब्रश होता है लाइक जिससे आप लिपस्टिक लगाते हो, वो ब्रश ले करके, ये वाला ब्रश जिससे मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, और जो ब्यूटी ब्लेंडर जिससे आपने पाउडर फाउंडेशन जो भी यूज़ किया उससे इसको डैब डैब कर देना, बहुत हल्के हाथों से, नहीं तो लिपस्टिक जो है आपकी ब्यूटी ब्लेंडर पे लग जाएगी। तो इस तरह से हमने कर लिया और इसके बाद से इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चिक्स पर अप्लाई कर लेंगे, हल्का सा जो है लुक देने के लिए हम वैसा जैसा चाहते हैं। और इसके बाद हम इसी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। जब तक हमने आईब्रोज को फिल नहीं करते तो लुक जो है आता नहीं है प्रॉपर लेने। तो आईब्रो यहाँ पे कोई सा भी आप एक ब्रश होता है जिससे हम आईब्रो अपना सेट करते हैं, ये वाला ब्रश मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और इसके बाद से यहाँ पे मेरे पास आईब्रो पेंसिल है, मैं यही वाला यूज करती हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है और पिगमेंटेड ज़्यादा है। और आपके पास भी अगर पिगमेंटेड ज़्यादा वाला है तो आप इसको हो चुका है और आपने इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान लिया आई हो। ये प्रोडक्ट जो है स्पिंच का बीबी क्रीम है, स्पिंच के और सारे प्रोडक्ट आते हैं, ये बीबी क्रीम है, इसका फाउंडेशन भी आता है। इन्होंने बोला है कि सन प्रोटेक्शन देते हैं और ये कवर स्पॉट, तो कवर स्पॉट आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है मेरे पिंपल्स के दाग को, तो लाइट कवरेज है, बहुत कम कवर करता है ये फेस पे और स्मूथ बहुत करता है स्किन को, जैसे आपने प्राइमर लगा लिया है ऐसा फील आता है स्किन को, जब छोगे तो बहुत स्मूथ लगेगा आपके फेस पर, जो पिंपल्स के दाग वगैरह वो हल्का फुल्का भी पिंपल है तो भी बिल्कुल स्मूथ कर देता है स्किन को। ये चीज़ है टच करने में पता चलेगा, ऐसे सामने से आप देखोगे तो बहुत स्मूथ नहीं लगेगा बट टच करने पर बहुत स्मूथ लगता है, तो इसकी ये बात अच्छी लगी। और पैकेजिंग आप देख सकते हैं ट्रैवल फ्री है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग भी दे रखी है इन लोगों ने,
और ये प्रोडक्ट बहुत डार्क है, लिक्विड ही बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आपने ऐसे हैंड पे रख लिया तो ये गिरता नहीं है, और इसके अंदर से प्रोडक्ट की जो है ऐसे हिल रहा है, तो इसमें साउंड भी आ रहा है कि प्रोडक्ट एक गोल सा ऐसा हो गया है, बिल्कुल डार्क है ये प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया इसको कैसे लगाते हैं इसके बारे में, और ऐसे ही प्रोडक्ट के रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा।